नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने सभी प्रिय दर्शकों का। हम बात करने वाले हैं शनिदेव की। शनिदेव कर्म और न्याय के देवता हैं। 12 जुलाई 2022 की सुबह लगभग 10:28 पर शनिदेव वक्री हो जाएंगे। पहले से ही वक्री हैं, लेकिन अपनी मकर राशि में वक्री हो जाएंगे। मकर राशि में शनि 17 जुलाई 2023 तक रहेंगे। अगले 7 महीने में शनि आपकी राशि पर क्या प्रभाव डालेंगे और क्या उपाय करें जिससे आपके जीवन में सुख और शांति आए, शनि के अशुभ प्रभावों को कैसे कम किया जाए, इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। शनिदेव अपनी मकर राशि यानी सांसारिक राशि में जा रहे हैं कुंभ राशि को छोड़कर। शनिदेव का परिवर्तन घनिष्ठा नक्षत्र में होगा। घनिष्ठा नक्षत्र के स्वामी मंगल हैं और मंगल और शनि में आपसी शत्रुता है। शनि के इस गोचर का प्रभाव उन पर सबसे ज्यादा पड़ेगा जिनकी भी शनि की, मंगल की या गुरु की दशा महादशा चल रही है। शनि मंगल गुरु की राशि लग्न वाले जातक जातिकाओं पर भी इसका सबसे ज्यादा असर प्रभाव पड़ेगा। शनि मंगल के नक्षत्र पर है और गुरु पर शनि की तीसरी दृष्टि है। आप ध्यान से देखिए, कुंडली में शनिदेव जहां बैठे हैं वहां से तीसरी दृष्टि से गुरु को देख रहे हैं, ये एरो आपको दिखा रहा है। तो शनिदेव की तीसरी दृष्टि बहुत ही महत्वपूर्ण बताई गई है, इसीलिए यहाँ पर शनि के साथ गुरु का भी हम नाम ले रहे हैं कि हम बात कर रहे हैं शनिदेव की, लेकिन गुरुदेव का भी यहाँ पर जिक्र हो रहा है। और मंगल का जिक्र इसलिए हो रहा है क्योंकि उनका नक्षत्र है घनिष्ठा, जिसमें शनिदेव रहेंगे। तो तीन ग्रह शनि मंगल और गुरु से जुड़े हुए लोगों को इस गोचर काल का सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। जिनका भी संबंध घनिष्ठा नक्षत्र से है उन पर भी इसका असर सबसे ज्यादा पड़ेगा। आप अपनी कुंडली की जांच करें और अपनी कुंडली में देखें कि आपकी कुंडली में शनि का क्या संबंध है, गुरु के साथ क्या संबंध है, मंगल के साथ या शनि किस अवस्था में बैठे हैं। वही तय करेगा कि आपको कितने अच्छे और कितने खराब परिणाम मिलेंगे। जो भी लोग मंगल या गुरु का व्यापार करते हैं, शनि का व्यापार करते हैं, उन पर भी इसका प्रभाव सबसे ज्यादा पड़ेगा। नौकरी करने वाले लोग अधिक प्रभावित होंगे, व्यापारी वर्ग थोड़ा कम प्रभावित होगा। अब नौकरी और व्यापार को समझ लीजिए। नौकरी क्या है, यानी कि आदमी किसी ना किसी के अंडर में काम करता है और शनि जो है वो नौकरी प्रधान ग्रह है, व्यापारी प्रधान ग्रह नहीं। शनि क्या है, कर्मचारी है। तो ऐसे लोग जो नौकरी करते हैं, जो कर्मचारी हैं, उन पर इसका प्रभाव सबसे ज्यादा होगा। 12 जुलाई से 23 अक्टूबर तक मकर राशि में ही शनि वक्री रहेंगे। तो हम इस वीडियो में 12 जुलाई से लेकर 23 अक्टूबर तक की ही बात जानेंगे। शुरुआती कुछ महीनों में शनि अधिक प्रभावशाली होंगे। अगर हम ज्योतिष की किताबों की बात करें, शास्त्र की बात करें, तो वक्री ग्रह बहुत अधिक बली हो जाता है। शास्त्र कहता है कि वक्री ग्रह जिस ग्रह पर अपनी दृष्टि डाले उस ग्रह के बल में वृद्धि आ जाती है। यदि शनि गुरु पर, यानी अपनी गुरु कहाँ बैठे हुए, मीन राशि पर, तो उसको देखेंगे तीसरी दृष्टि से तो मीन राशि को बल प्राप्त होगा। गुरु अपनी ही राशि में है तो इस वजह से, शनि की वजह से गुरु को बल प्राप्त होगा। घनिष्ठा नक्षत्र मंगल का है और मंगल क्या है, मंगल आग है, शनि तेल है। आग और तेल का मिलन विस्फोट कराता है। विस्फोट यानी कि आग ज्वालामुखी फटता है। तो बड़े बड़े बदलाव धरती पर आपके व्यक्तिगत जीवन पर पड़ने वाले हैं क्योंकि मंगल और शनि का भी मिलन कहीं ना कहीं हो रहा है। तो आप सभी राशि वालों को इन अचानक से होने वाले अच्छे और बुरे प्रभावों के लिए तैयार रहना होगा। अगर दिया जलता है तो उससे रोशनी भी होती है, और वही दिया अगर थोड़ा सा इधर उधर हो जाए तो किसी घर को भी जला देता है। यानी कि दिया रोशनी भी देता है और दिए की गलत पोजीशन या थोड़ी सी हवा, तेज हवा एक घर को भी जला देती है। शनि त्याग है और शनि का काम है मेहनत करवाना। गोचर में होने वाले इस परिवर्तन का सभी व्यक्ति विशेष पर अलग अलग असर होगा। अब लाखों करोड़ों लोग होते हैं एक एक राशि के, तो सब पर एक जैसा असर नहीं होगा। इसका
क्या असर आप पर बहुत करीब से पड़ेगा, इसके लिए आपकी जन्म कुंडली में शनि की स्थिति और अन्य ग्रहों की स्थिति को देखना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो लाखों करोड़ लोग होंगे, सब लोग ऐसा ना समझे कि सब लोग के साथ बुरा हो जाएगा या सब लोग के साथ अच्छा हो जाएगा। धन पद अहंकार घमंड को बढ़ा देते हैं यहां पर शनि, यानी अब आपके अंदर 12 तारीख के बाद धन पाने की लालच ज्यादा हो जाएगी। पद यानी कि मुझे ये कुर्सी चाहिए, मुझे ये चीज चाहिए, अहंकार को भी यहां पर बढ़ा देगा, घमंड को भी शनि बढ़ा देंगे। जैसे ही मकर राशि में आएंगे लोभ और लालच को बढ़ा देंगे, अब आपके अंदर दूसरे की चीज को हड़पने की इच्छा जागृत हो जाएगी। शनि कुछ राशियों के लिए षष्ठ नामक पंच महापुरुष योग का निर्माण भी करेंगे। मकर राशि में जब भी शनि जाते हैं तो काम करने की इच्छा को बढ़ाते हैं, अब आप पहले से ज्यादा मेहनत करने लगेंगे, पहले से ज्यादा अपने काम के प्रति लगाव दिखाने लगेंगे। जो लोग रिसर्च वर्क से जुड़े हैं उनके लिए बहुत लाभ का वक्त है, राजनीति से जुड़े हैं उनके लिए वक्त अच्छा है, धर्म के काम से जुड़े हैं उनके लिए वक्त बहुत अच्छा है। व्यापारी वर्ग को बहुत ज्यादा फायदा नहीं, लेकिन नौकरी वर्ग को बहुत ज्यादा फायदा होगा, खासकर सरकारी वर्ग के लिए अच्छा फल लेकर आएंगे। मीडिया, फिल्मी दुनिया, संगीत, कला, इन क्षेत्रों में भी जो लोग हैं या जो लोग जाना चाहते हैं पत्रकारिता वाले फील्ड में, उनके लिए भी बहुत अच्छा वक्त रहेगा। बुरा शनि लोभ और लालच को बढ़ा देगा, जिसकी भी जन्म कुंडली में शनि खराब होंगे उसके अंदर लोभ और लालच बढ़ जाएगा, और लोभ और लालच क्या होता है, अत्याचार कराता है। जब अत्याचार करेंगे तो दंड मिलेगा, जेल भी जा सकते हैं। गैस, ऑयल, माइनिंग, खनन से जुड़े हुए जो भी शेयर मार्केट हैं या इनसे जुड़ी हुई जो भी रोजगार है, वहां पर बड़े बड़े बदलाव हो सकते हैं, थोड़ा सावधानी रखिएगा। शनि यहाँ पर मकर राशि में जब जाएंगे तो अहंकार को दे देते हैं। जब अहंकार आता है तो व्यक्ति क्या कहता है कि मैं एक शब्द है, मैं यानी कि मैं अकेला, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मैं अकेला सब कुछ कर लूंगा, मेरे साथ कोई मत आओ, मैं अकेला सब कुछ कर लूंगा, अगर आना है तो मेरी शर्तों पे आओ, ये मैं आपको अकेला कर देगा। आपकी टीम के अच्छे लोग, आपके परिवार के अच्छे लोग, आपके अच्छे मित्र आपसे दूर हो जाएंगे और आप अकेले पड़ जाएंगे। जिनका भी शनि प्रभावित होगा वो लोग देर रात तक काम करेंगे, देर रात्रि तक काम करते हुए नजर आएंगे, यानी ज्यादा काम करेंगे और लालच आएगा। दिमाग की परेशानी हो जाएगी, जब रात में सोएंगे नहीं तो दिमाग की परेशानी, अनिद्रा की परेशानी हो जाएगी। तो ऐसे में शनि का यह गोचर आपकी राशि पर क्या प्रभाव लेकर आ रहा है ये तो हम बताएंगे ही बताएंगे, बाकी ये जो सारी बातें बताई ये सारी बातें आप सभी राशि वालों पर लागू होती हैं। तो इन सब चीजों से बचेंगे तभी शनि के इस गोचर का शुभ परिणाम ले पाएंगे। अब शनि देव को अच्छा करने के लिए अगर जन्म कुंडली में बहुत खराब है तो क्या उपाय करने चाहिए, कुछ उपाय अभी बता रहा हूं, कुछ उपाय वीडियो के अंत में बताऊंगा। देखिए सबसे पहला काम ये करना है आपको कि बहुत ज्यादा काम नहीं करना है। दूसरा काम क्या है, अपने काम को बांटिए, अपनी टीम को साथ में रखिए, सभी चीजों के पीछे मत भागिए, यानी कि हम सब कुछ पालेंगे, लालच मत पालिए अपने अंदर, सेहत का पूरा ध्यान रखिए और अति से बचिए। अति यानी कि सब कुछ मेरा है, मैं किसी को कुछ नहीं लेने दूंगा, मैं सब कुछ कर लूंगा, मैं 48 घंटे काम लग के सब कुछ ले लूंगा, ये सब नहीं करना है। यानी जहां लालच पैदा हुआ वहां पे आप डूब जाएंगे। देखिए शनिदेव को शांत करने के लिए हनुमान जी का नाम सबसे पहले आता है और उनसे पहले नाम आता है भगवान शिव का, क्योंकि शनिदेव को काल बोला गया है, काल यानी मृत्यु, और भगवान शिव को बोला गया है महाकाल, है ना? तो जिसके ऊपर महाकाल का हाथ हो उसका काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। तो भगवान शिव की आराधना आपके लिए सर्वोपरि होगी। आप कोई सा भी साधारण सा मंत्र शिव जी का जप सकते हैं, ओम नमः शिवाय जप सकते हैं, बाकी आप इससे ज्यादा जो करना चाहें सो करें। प्रतिदिन शिव जी का जलाभिषेक करें, रुद्राभिषेक कराएं, मंदिर जाएं, किसी ज्योतिर्लिंग पर जाकर दर्शन करें, ये तो बहुत ही अच्छा होगा। इसके साथ साथ हनुमान जी की उपासना करें। इसके साथ साथ शमी का पेड़ होता है, जो शमी का पेड़ वो शनि को बड़ा ही प्रिय है, शमी के पेड़ के फूल अगर आपको मिल जाते हैं तो हर मंगल और शनिवार को,
हनुमान जी के चरणों में उस फूलों को अर्पित करें और अपना और हनुमान चालीसा का पाठ करें। शमी के फूल अगर आपको मिल जाते हैं तो उन फूलों को भगवान शिव के शिवलिंग पर चढ़ाएं और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। या फूल नहीं मिलते हैं तो शमी के जो पत्ते होते हैं उससे भी आप ये उपाय कर सकते हैं। तो कहने का मतलब हुआ आपको महाकाल को याद करना है। जब महाकाल को याद करेंगे तो काल अपने आप शांत हो जाएगा। ये उपाय सभी 12 राशि के लोग कर सकते हैं, किसी को भी अलग उपाय करने की आवश्यकता नहीं। अब इसके अलावा जो मैं आपकी राशि के हिसाब से कुछ और विशेष उपाय बताऊंगा वो भी आप कर सकते हैं। तो आइए शुभारंभ करते हैं। मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आपको अभी तक मेरी जानकारी अच्छी लगी हो, आपको लग रहा हो कि कुछ आपको ज्ञान प्राप्त हो रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को दबाते हैं, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें और अपनी राय भी व्यक्त करें और घंटी वाले बटन को जरूर दबाइएगा और आप अपनी जन्म कुंडली बनाने के लिए भी संपर्क कर सकते हैं। अब बात करते हैं आपकी राशि की। अब हम बात करेंगे तुला राशि वालों के लिए। तुला राशि आपकी राशि के स्वामी होते हैं शुक्र और शुक्र और शनि की अच्छी मित्रता है तो तुला राशि वालों के लिए शनिदेव चौथे और पांचवें भाव के स्वामी हैं और वर्तमान में चौथे घर में गोचर करेंगे, वक्री होंगे। आप कोई प्रॉपर्टी कोई संपत्ति खरीदने का विचार बना रहे हैं तो बना सकते हैं, कोई प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं, कोई प्रॉपर्टी किराए पे देना चाहते हैं, कोई प्रॉपर्टी खत्म करना चाहते हैं, तोड़ फोड़ करके उसको प्लॉट बनाना चाहते हैं तो कर सकते हैं। हाँ, यहाँ लाभ है। साथ में अगर आप अपने घर को बड़ा बनाना चाहते हैं, छोटा है बड़ा बनाना है, एक छत ऊपर और डालनी है तो ये भी कर सकते हैं। यहाँ पर आपका ये सपना पूरा हो जाएगा। शनिदेव षष्ठ नामक पंच महापुरुष योग का निर्माण भी कर रहे हैं। वैसे सामान्यतः चौथे घर में शनि को बेहतर नहीं माना जाता है, चंद्रमा का घर है, चंद्रमा शनि की मित्रता नहीं है तो यहाँ पर विष योग का निर्माण भी हो जाता है। तो विष योग का निर्माण अगर चंद्रमा के साथ होता है तो दिमाग पर प्रभाव पड़ता है, यानी फैसले गलत होते हैं और माँ की सेहत पर दिक्कत आती है। तो आप अपनी माँ की सेहत पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। आप अपनी उम्र से अधिक समझदार और जिम्मेदार होंगे, कम उम्र में जिम्मेदारियों को समझने लगेंगे, हर काम को गंभीरता से करेंगे, खेल कूद कम, पढ़ाई लिखाई में ज्यादा सीरियस होंगे आप। परेशानियां आती हैं, आप मेहनती होंगे, परेशानियों से जीत कर सफलता हासिल करेंगे। सेहत का बहुत ध्यान रखना होगा आपको। आपका काम भी बनेगा, आपका नाम भी होगा, वाहन इत्यादि का सुख मिलेगा। कृषि संबंधी काम अगर आपका है, पशुपालन है, कृषि संबंधी काम, जमीन से जो चीज उगने वाली है ऐसा कोई काम है तो पैसा कमाने के बहुत सारे अवसर आपको मिलने वाले हैं। आपको मिले जुले परिणाम यहाँ पर प्राप्त हो रहे हैं। आपकी राशि के लिए शनिदेव बढ़िया ग्रह है। शनिदेव दसवें घर को देखेंगे तो नौकरी और व्यापार में बदलाव, तरक्की, ट्रांसफर जरूर होगा, कुछ ना कुछ तो बदलेगा, मेहनत को बढ़िया होगी। शनि की तीसरी दृष्टि छठे भाव पर होगी। शनि जहाँ देखते हैं वहां पर थोड़ा सा परेशानी पैदा करते हैं। तो अब छठा भाव किसका है? रोग, ऋण, रिपु का है, कर्जों का है, तो अच्छी बात है। तो यानी रोग कम होंगे, यानी शरीर स्वस्थ होगा, ऋण उतरेंगे, कोई कर्जा वर्जा है तो उतर जाएगा, परेशानियां खत्म होंगी, टेंशन खत्म होगी। गुरु भी छठे भाव में बैठे हैं तो शत्रु को कंट्रोल में करेंगे। शनिदेव की दसवीं दृष्टि लग्न पर होगी तो कार्य व्यापार में संघर्ष बढ़ेगा, ढैया भी शुरू हो गई है, माता पिता और घरेलू खुशियों के लिए आपको घर से दूर जाना पड़ सकता है, कहते त्याग करना पड़ेगा घर की खुशियों के लिए, ऐसा संभव है। कामकाज में मेहनत अधिक होगी और आप घर पे वक्त कम दे पाएंगे, घर से दूरी होगी, पत्नी से दूरी, माँ से दूरी, बाप से दूरी, बच्चों से दूरी, अपनों से दूरी, जो कहीं ना कहीं रिश्तों में थोड़ी सी तलखियां लेकर आ सकती है। आपको अपनी हड्डियों का ध्यान रखना होगा, यानी हड्डी टूटे ना, हड्डी में कोई तकलीफ है तो सही रहे। छाती के रोग यानी चेस्ट संबंधी प्रॉब्लम अगर कुछ है, कफ खांसी वगैरह, तो जांच कराइएगा, इलाज करिएगा। हृदय रोग पे आपको बहुत फोकस रखना होगा, अपने हृदय पर इनहेल एक्सहेल वाली एक्सरसाइज करनी होगी, अपने हृदय को मजबूत बनाने के प्रयास करने होंगे। रात में दूध बिल्कुल नहीं पीना है। शनि की ढैया थोड़ी चिंता परेशानी बढ़ाएगी पर सफलता भी मिलेगी। शत्रु से मित्रता करके आप आगे बढ़ेंगे, शत्रु को अपना मित्र बनाकर या शत्रु को अपने पाले में लेकर आप आगे बढ़ेंगे तो और अच्छा लाभ होगा। शराब और नशाखोरी आपको, और शराब
नशाखोरी और कबाब आपके लिए मुसीबत का कारण होगा। या तो शरीर इस समय में अगर शनि अच्छे हुए तो कोई दिक्कत नहीं होगी, अगर शनि खराब हुए तो बहुत ज्यादा मोटापा दे देंगे या बिल्कुल एकदम पतले या सुखटा कर देंगे, तो लापरवाही नहीं चलेगी। मछली बिल्कुल नहीं खानी है आपको, बहते हुए पानी में शराब बहाते हैं 4 बोतल तो आपके लिए अच्छा परिणाम आपको मिल सकता है। वीडियो की शुरुआत में भी मैंने कुछ ऐसे उपाय बताए थे जो बहुत ही कल्याणकारी हैं और जिनको करके आपको बहुत लाभ मिलेगा, उन उपायों को करिएगा। बहते पानी में शराब बहाना, शबाब कबाब और नशे की चीजों से दूर रहना और रात्रि में दूध न पीना और अपने सेहत का पूरा ख्याल रखना भी आपके लिए उपाय ही हैं। इस पर भी गौर करिएगा, नहीं तो दिक्कतें पड़ सकती हैं। हनुमान जी की उपासना करते रहिए, कोई कष्ट नहीं आएगा। इसके साथ साथ अपनी जन्म कुंडली की जांच कराइए ताकि आप जान सकें कि ग्रह आपके किस अवस्था में बैठे हैं, जिससे आपको शुभ अशुभ परिणाम मिल सके। अशुभ परिणाम ना मिले इसके लिए हम उपाय करेंगे, शुभ परिणाम मिले इसके लिए भी उपाय करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपके लिए शनि का यह गोचर मंगलकारी हो, और कोई समस्या है तो आप संपर्क करें दिए गए नंबरों पर। हरिओम, नमस्कार।